हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एमआई का 9A को हार्ड रिसेट करने की इजी और स्टेप बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वॉल्यूम अप और डाउन पावर दबा के वाइप डाटा रिसेट को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद बैक मेनू पर रिबूट कर देना है, रिबूट टू सिस्टम करना है। इसमें यह मोबाइल पूरी तरह से इसका डाटा रिसेट हो जाएगा और जो इसमें लगा हुआ पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। देखिए मोबाइल यहाँ रिमूव हो रहा है दोस्तों, इसके बाद यह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो आप अपने एमआई के किसी भी मोबाइल को इस तरह से हार्ड रिसेट कर सकते हैं। फिलहाल यह हमने एमआई का 9A रेडमी 9A मोबाइल को हार्ड रिसेट किया है। यह बहुत ही अच्छी ट्रिक है हार्ड रिसेट करने की और आपको कहीं दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल को घर बैठे बैठे ही हार्ड रिसेट कर सकते हैं। इसे थोड़ी प्रोसेस लगेगी दोस्तों चालू होने में, लेकिन वह थोड़ा वेट करने के बाद चालू हो जाएगा। इसे हार्ड रिसेट मारने के बाद आगे बढ़ाने की प्रोसेस भी इजी तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपने मोबाइल को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए स्टार्ट हो रहा है, कुछ सेकंड के बाद में ये आ गया है। इसे एरो पिन के निशान पे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट करना, इंग्लिश इंडिया आगे बढ़ाना है, इंडिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ ऊपर करना है और इन्हें टच करते हुए आगे बढ़ाना है। स्किप टू स्पेस, कंटिन्यू, स्किप, नेक्स्ट, मोर, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ाएंगे। स्किप टू दिस स्टेप को ही करना है, इसमें कोई लॉक नहीं लगाना है। ओके, एग्री। एग्री करने के बाद में ये देखो क्लासिकल पे अपने सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से आपका मोबाइल रेडमी 9A हार्ड रिसेट होने के बाद इसका सेटअप पूरा हो जाएगा। तो यह बहुत ही यूनिक और ईजी स्टेप है दोस्तों, आप इस तरह से अपने मोबाइल को हार्ड रिसेट मार कर आगे बढ़ा सकते हैं और अपने मोबाइल को बाईपास भी कर सकते हैं। तो यह अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम आपको इजी तरीके से मोबाइल चालू करने का तरीका बताते हैं और यह देखिए मोबाइल चालू हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।